लोगों का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल कृषि में। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि बहुत दिनों बाद कोई वीडियो डाल पा रहा हूँ। दोस्तों कारण सिर्फ वही अपना एक ही है कि खेती किसानी के काम में व्यस्त था। वही मूंग चिया का सारा हार्वेस्टिंग, उसको भेजना, उसके बीजों को सुरक्षित करना, तो ये सारे काम में बिजी था। लेकिन अब मैं फ्री हो गया हूँ, एक नई फसल मैं लगाने जा रहा हूँ। पहली बात तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो चीज़ मैं करता हूँ उसी का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जो नई फसल मैं लगाने जा रहा हूँ उसका नाम शायद कुछ लोगों ने सुना हो, औषधीय फसल है और एक बहुत ही बढ़िया जरूरी औषधीय फसल है, कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप के तरीके हम उसको मान सकते हैं। दोस्तों इसका नाम है काल मेघ। जी हाँ, काल मेघ, बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना हो। दोस्तों जो अधिसार या पेचिस की दवाएँ बनती हैं इस तरह, तो उसमें इसके जो केमिकल घटक हैं उनका प्रयोग होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी ये फसल लगी नहीं है, ये नर्सरी करीब 15 दिन पुरानी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पूरी की पूरी नर्सरी है जो कि लगी हुई है। ये देखिए, एक क्यारी ये इधर है और एक क्यारी ये इधर है नर्सरी की। दोस्तों इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्योंकि घास बड़ी हो गई और पानी के कारण मैं इसको निकाल नहीं पाया, लेकिन मैंने ऊपर से घास निकलवा दिया। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये देखिए ये सारे बीज के, तो जैसे ही ये बड़े होंगे तो फिर मैं क्या बोलते हैं इनको निकाल दूंगा। ये देखिए ये काल्पनिक का पेड़ है, थोड़ा सा नज़दीक से आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो इनका सीधे सीधे ट्रांसप्लांटेशन काल्पनिक, क्योंकि देखिए दोस्तों कि सबसे पहली जो मेरी आवश्यकता होती है वो जानवर नहीं खाते हैं, दूसरी इसका भाव अच्छा रहता है, तीसरा ये थोड़ा अपना ट्रेडिशनल फसलों से हट के फसल है जो कि हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकती है, बहुत ही कम लागत के अंदर बोलेंगे, कम लागत मतलब इसमें कोई भी दवा का खर्च नहीं आना है, क्योंकि ये औषधीय फसल है। इसके ऊपर कोई भी दवा, एक तो कोई कीट फफूंदी इसके ऊपर लगती नहीं है, इसलिए इसके ऊपर कोई दवा का उपयोग हमें नहीं करना। दूसरा ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, अगर हम सीधी भी जाए इसको बोते हैं तो करीब 90 दिन में, अगर हम नर्सरी लगा के बोते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन या 70 दिन में कट जाएगी। माने जैसे ही सितंबर आएगा इसमें फूल आने शुरू हो जाएंगे, हम इसको काट लेंगे और इसकी प्रोसेसिंग भी हमें नहीं करनी है, हमें इसको छाया में सुखा देना है और जैसे ये सूख जाए तो हमें इसे जो भी इसका खरीदार है, जो भी बायर है, हमें उसको बेच देना है। अगर हम बीज की मात्रा करें तो नर्सरी बनाने में एक हेक्टेयर के लिए करीब 750 ग्राम बीज इसमें प्रयोग हुआ है। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, तो नर्सरी बनाने में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 750 ग्राम बीज मैंने डाला हुआ है एक हेक्टेयर के लिए, तो एक हेक्टेयर के फील्ड में मैं इसको लगाऊंगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक फील्ड खाली पड़ा हुआ है और ये एक फील्ड जो गुलाब के बगल में खाली पड़ा हुआ है उसमें लगाऊंगा। ये बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है, थोड़ा सा आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए अभी इसमें पानी लगा हुआ है, देखिए कितने कल्ली, ये देखिए ये इसका दमश्क रोज़ है, अपना दमश्क रोज़ के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आप इसको और थोड़ा सा जान समझ सके। तो काल्मेघ की नर्सरी है, तो काल्मेघ की फसल हम लेने वाले हैं, औषधीय फसल है। तो जब मैं इसको खेत में लगाऊंगा और इसके मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी सारा जो इसका आधारभूत है, माने कैसी मिट्टी चाहिए, कितनी उपज होती है, क्या होती है, उसके बारे में आपसे डिटेल में शेयर करूँगा। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन है कि नहीं उसमें मैं वो चीज़ें भी इंक्लूड करूँ वीडियो में जो आपको जाननी चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, तो मैं वो चीज़ें भी इंक्लूड करूँगा। किसान भाई हूँ मैं, तो आपके तरीके देसी आदमी हूँ, तो देसी तरीके से वीडियो बनाता हूँ। तो आप मेरे को कमेंट में बताते रहें, अपना सपोर्ट करते रहें, व्हाट्सएप पे और क्या बोलते हैं फेसबुक पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मेरे वीडियोस को शेयर करते रहें, जिससे कि मुझे थोड़ा मनोबल मिलता रहे और सारे वीडियोस बनाने का। और जो भी आपकी औषधि और सघन फसलों से रिलेटेड जानकारियाँ आपको चाहिए वो आप मुझे भेजें। मैं सारों के कमेंट्स में तो मैं अधिकतर कोशिश करता हूँ कि जो भी रिलेवेंट कमेंट है मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूँ। तो इस तरह से आप मुझसे संपर्क में बने रह सकते हैं। बाकी सारी अब मैं धीरे धीरे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रेगुलर वीडियोस डाल सकूँ। तो प्लीज़ आप मुझे बताएं कि आपको किस चीज़ के वीडियोस चाहिए। तो ये फसल काल्मेघ है जो कि हम लेने जा रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी की पूरी इसकी डिटेल शेयर करूँगा आपके साथ में कि क्या उपज होती है, कैसी मिट्टी चाहिए, कितने दिन में काट सकते हैं, क्या इसके रासायनिक घटक हैं, कहाँ बेच सकते हैं। अब मैं हर सीरीज में बताया करूँगा कि हम इसको कहाँ पर बेच सकते हैं, क्या इसका भाव चलता है, अमूमन हम किस महीने में इसको बेचें, क्योंकि नॉन पेरिसेबल आइटम है, आप काट के स्टोर कर लीजिए, 6-4 महीने बाद क्या बोलते हैं जब उसका ऑफ सीजन आए तब आप उसको बेचें तो आपको एक अच्छी उपज मिलेगी। और दूसरा एक कम समय की उपज है, जब आपकी तिली ज़्यादा पानी में सड़ जाती है तो उसकी जगह आप उसको ले सकते हैं। तो माने हम दो फसलें ट्रेडिशनल लें, लेकिन एक फसल कोई ऐसी लें जो हमें ट्रेडिशनल से अलग करती है, जिससे कि हमारा मनोबल भी बढ़े, तो हम इस तरीके से चल सकते हैं। तो किसान भाइयों अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए, वीडियोज को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबाइए, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप समय से वीडियोज डाल सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी आपके प्रश्न हो कमेंट में बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे आपके कमेंट्स प्रश्न कवर करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।